हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। काम मेरा सारा हो चुका है, नहाना धोना भी हो गया है और बस दोपहर का टाइम हो रहा है। मेरे को बनानी थी रोटियाँ और आज मैं आप लोगों के काफ़ी सारे सवालों के आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि मैं सभी के मैसेज पढ़ती हूँ पर मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा आज एक ऐसी वीडियो मुझे बनानी चाहिए जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूं। और ये देखो परी क्या कर रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और परी को देखो, परी क्या कर रही है, क्या कर रही हो परी? मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और ये देखो जो ये मेहंदी की फाइल है ना, ये वाली मेहंदी की फाइल, ये मेरी है तो मैं भी आपको इसे बैक कैमरे से ये बैठी हुई है परी। परी हाय बोलो बेटा, सबको नमस्ते बोलो। हाय, नमस्ते। और ये जो फाइल दिख रही है ना आपको, ये वाली फाइल मेरी है और मैंने भी मेहंदी सीखी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने बनाई हैं। और मैंने तो जब मैं 9th क्लास में थी तब मैंने मेहंदी सीखी थी। और आप देख सकते हैं ये सारे उंगलियों के डिज़ाइन हैं। पर ये फटाफट दिखाओ जल्दी जल्दी। और ये देखो मैंने ये सारे डिज़ाइन अपने हाथ से बनाए हैं। ड्राइंग मेरी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि अगर हम किसी काम को करते नहीं हैं तो उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। तो ये जो मेहंदी की फाइल है ये भी मेरी, इसमें कुछ डिज़ाइन कंप्लीट है, कुछ डिज़ाइन अनकंप्लीट है। तो देखिए आप लोगों को कैसे लगा डिज़ाइन, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और बस ये है कि मैंने बीच में ही छोड़ दी थी, मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट भी किया था मेहंदी फाइल को। और ये जो हम टैटू बनाते हैं ना हाथों पर, तो ये वो टैटू हैं जो हाथ पर बनाते हैं। और ये कलरफुल मेहंदी है, जो स्पार्कल्स मेहंदी होती है ना, जो स्पार्कल से लगाते हैं, ये वो मेहंदी है। और ये अरेबिक मेहंदी है, तो मैंने भी मेहंदी सीख रखी है तभी मेरी बेटी को मेहंदी सीखने का शौक़ है। तो इसमें ब्राइडल मेहंदी भी हैगी, ब्राइडल मेहंदी के हाथ भी हैंगे, ये ब्राइडल मेहंदी है। और मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से, मैं इसको डेकोरेट किया करती थी, मतलब जिस हिसाब से आता था, क्योंकि जो हमारी मेहंदी फाइल होती थी हमें उसे अच्छे से डेकोरेट करना होता था क्योंकि इसके नंबर लगते थे। तो देख सकते हैं आप, मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश करती थी, मतलब उस टाइम पर जितनी मुझ में अकल थी। तो मैं आप लोगों को पूरी मेहंदी फाइल दिखाती हूँ ये। और ये देखो परी आपको दिखा रही है, आप अच्छे से देखो। और ये सारे डिज़ाइन ये कट करके चिपकाए हैं ये। और ये अरेबिक मेहंदी है, पहले इसको हम पेंसिल से बनाते थे, फिर उसके बाद हम ब्लैक कलर के स्केच पेन से। और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे गुड़ मिला हुआ है, और ये देखिए मुझे यहाँ पे इसमें एक्सीलेंट मिला हुआ है। ये जबकि कंप्लीट नहीं था तभी भी मुझे मैडम ने इसमें एक्सीलेंट दिया था, क्योंकि मैंने इसमें जो ड्राइंग की थी वो काफ़ी अच्छी की थी और काफ़ी फिनिशिंग से की थी। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी मेहंदी की फ़ाइल कैसी लगी। और ये मेरी एक फ़ाइल है, मेरी दूसरी फ़ाइल भी है, वो मुझे पता नहीं है कहाँ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मुझे गुड़ मिला हुआ है, मतलब मेरी भी ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी बट मैंने उस टाइम पर ज़्यादा नहीं सीख पाया है। ये पैरों की ब्राइडल मेहंदी है। तो परी आज मेरी मेहंदी फाइल निकाल के देख रही थी, कह रही थी कि मम्मी मैं इसमें से देख लूं। मैंने कहा हाँ इसमें से देख लो। तो मुझे इस पर कलर वगैरह करने थे, फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, फिर मुझे सर्टिफिकेट मिल गया था। मेरा सर्टिफिकेट भी हैगा मेहंदी का, अगर वो मिल गया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। काफ़ी सारी मेरी एक फाइल और है जो अभी कहीं रखी हुई है। और वो और ये देखिए, ये मैंने अरेबिक मेहंदी की प्रैक्टिस कर रखी है। ये सब मैंने बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये परी ने बनाए हैं, ये परी ने नहीं, ये मैंने बनाए हैं। परी को तभी मेहंदी का शौक है क्योंकि परी की मम्मा को भी मेहंदी का काफ़ी शौक था। और ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं ना, जो ये मछली वगैरह और ये जो बेल देख रहे हैं, ये मैंने बनाई है। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर मैं नहीं सीख पाई हूँ अच्छे तरीके से तो परी सीख जाए। देखो ये ढोलक, मछली, ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं। बट बस ये है कि मैंने इसको कंटिन्यू नहीं रखा तो मैं इसको भूल चुकी हूँ, मतलब लगा लेती हूँ नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि मैं लगा नहीं पाती हूँ। मेहंदी भी मैं काफ़ी अच्छी लगा लेती हूँ। मम्मी रुको, मैं अपनी भी दिखाती हूँ। और परी भी दिखा रही है अपनी, ये परी की मम्मा की फाइल हो गई और अब परी अपनी दिखाएगी। कहाँ जा रही हो? अच्छा, तो तुम्हारी फाइल भी देखनी है और आप लोग परी की फाइल भी देख लो। तो ये रही परी की फाइल, और ये देखो परी ने भी काफ़ी अच्छे टैटोज बना रखे हैं। और परी की जो मेहंदी है वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ गई है परी की मेहंदी में भी, देख सकते हैं आप।
तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जरूर कि आप लोगों को परी की और परी की मम्मा की मेहंदी कैसी ये लगी। देखो मम्मी दुल्हन बनाई और है। आज तो परी ने कमाल ही कर दिया, आज परी ने दुल्हन बनाई है और ये ढोलक और ये परी ने ये बनाया है तबला, इसको तबला बोलते हैं और इसको शायद बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं है इसका। और ये है देखो दुल्हन, दुल्हन और दूल्हा बनाना बहुत ज़्यादा टेढ़ा होता है लेकिन परी ने कोशिश अच्छी करी है यार, और पहले दिन में ही बनाई है। और पहले दिन में ही बना दी, पहले दिन में ही बना दी, बहुत वेरी गुड। अभी तुम और सीखो तो और अच्छी लगाओगी। सारे लोग बोल रहे थे कि परी मेहंदी दिखाएगी अपनी, मतलब उनने बोला था क्या ये अगर दुल्हन वाली लगानी है तो दुल्हन वाली लगाओ या इजी वाली लगानी है तो इजी। हाँ तो अच्छे से मैं दुल्हन वाली लगाई, मैंने दुल्हन वाली। हाँ तो अच्छी सी प्रैक्टिस किया करो ताकि और अच्छे से सीख जाओ। और शौर्य गया हुआ है अभी ट्यूशन, परी की छुट्टी जल्दी हो गई है, शौर्य के यूटी आने वाले हैं इसलिए शौर्य की छुट्टी नहीं हुई है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको परी की और परी की मम्मा की फाइल कैसे लगी। मैंने भी मेहंदी पहले सीखी हुई है लेकिन बस कहते हैं ना जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो फिर हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, हमारे माइंड से निकल जाती हैं। तो सिलाई भी मैंने उस टाइम पे सीखी थी लेकिन सिलाई तो फिर मैंने दोबारा सीखी है तो मुझे आ चुकी है सिलाई भी। और मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ लेकिन बस ये है कि मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं लगा पाती क्योंकि मैंने कंटिन्यू नहीं रखी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी सीख जाएगी ना तो मैं सीख जाऊँगी। तो चलिए मुझे आज आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने हैं जो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे कई बार बोला है कि दीदी मतलब काफ़ी सारे सवाल पूछे तो मैं उनके आंसर दूंगी। और शौर्य रे बेटा, शौर्य हाय बोलो सबको, नमस्ते बोलो, नमस्ते सबको, नमस्ते बोलो, नमस्ते। और परी येरी परी मेहंदी लगा रही है तो चलिए मैं जरा इसको फ़ोन को ट्राईपॉड पे लगा दूँ फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो आ गई हूँ मैं, तो आप लोग पता है क्या सोचते होंगे कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। पता है मेरे को इतने मुझे कमेंट पढ़ने का इतना शौक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। पता है क्या है, फिर बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इतना फ़ोन नहीं रहता है, बच्चों को काम करना होता है, बच्चों की क्लासेस लगती हैं, फिर मेरा खुद का भी काम है तो मैं इसलिए कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती हूँ। पर ज़्यादातर मैं कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैंने कल काफ़ी सारे कमेंट पढ़े थे कुछ कमेंट्सों में मुझे हंसी आ रही थी और काफ़ी सारे कमेंट्स तो लोगों ने मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी फैमिली के ही लोग कर रहे हैं। तो एक कमेंट था राहुल के नाम से आईडी थी तो उन्होंने बोला था कि दीदी परी और शौर्य को मेरे पास भेज दो, हमारी हलवाई की शॉप है, हमारी अपनी शॉप है, मेरा नाम रश्मि है। तो राहुल के नाम से आईडी थी बट ये कोई सिस्टर थी। तो सिस्टर आप परी शौर्य को बुलाओगे और मेरे को नहीं बुलाओगे, मेरे को क्यों नहीं बुलाओगे, मेरे से दुश्मनी है क्या आपकी? तो परी शौर्य को बुलाओगे तो मैं भी आऊँगी ठीक है, क्योंकि मुझे भी मीठा खाना बहुत पसंद है। और एक है नीतू अटारी जी तो उन्होंने लिखा था रिया मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ जल्दी तुम्हारा बुटीक एंड पार्लर हो। थैंक यू नीतू जी और थैंक यू माई ऑल ऑफ यूट्यूब फैमिली, क्योंकि मेरी जो YouTube फैमिली है वो इतनी अच्छी है, मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती है, इतना अच्छा अच्छा मतलब मेरे लिए भगवान जी से इतनी अच्छी अच्छी प्रेयर मांगती है। तो मैं आप लोगों का सच में बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मेरे बच्चों के लिए इतना सोचते हैं और मेरे लिए मतलब कहते हैं ना कि आशीर्वाद में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो थैंक यू, बस इसी तरीके से आप लोग मुझे आशीर्वाद देते रहिए ताकि मैं और आगे जाती रहूं। और एक है सोनू वेगता जी, दीदी मुझे आपकी वीडियो का वेट रहता है। थैंक यू डियर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के कि मेरा किसी को वेट रहता है, मेरी वीडियो का कोई वेट करता है, मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे कि लोग मेरा वेट करते हैं, मेरी वीडियो का वेट करते हैं और काफ़ी सारे लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं। थैंक यू, आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू। और एक है पूजा गिरी जी, आप ये मत सोचना कि मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ती, मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, अच्छे बुरे सारे कमेंट पढ़ती हूँ मैं, बस ये है कि मैं कुछ कमेंट्सों के रिप्लाई कर देती हूँ क्योंकि मैं जल्दी में होती हूँ और बाकी कमेंट्सों को मैं लाइक कर देती हूँ। सो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि दीदी किसी का कमेंट नहीं पढ़ती, मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो आपको पता है कि मैं परी से बोलती हूँ कि कमेंट्स पढ़ पढ़ के सुनाओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों से अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ तो मैं परी से कमेंट्स को पढ़वाती हूँ और अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं परी पढ़ती रहती है, मैं सुनती रहती हूँ। और एक और है पूजा गिरी जी,
आपका मंथली खर्चा कैसे चलता है और कितना है और कैसे एडजस्ट करती हैं। तो पूजा गिरी जी, मेरा जो मंथली खर्चा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो खाने पीने का खर्चा है वो मेरे सास ससुर उठा लेते हैं, और बच्चों की बुक्स वगैरह होती हैं वो साल में एक बार वो दिलवा देते हैं। बाकी मैं खुद भी अपने बहुत सारे खर्चे खुद करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम अगर किसी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। तो मेरे पापा का कहना हमेशा यही था कि आप है ना अपने बाजुओं पे कभी भी आप अपनी बाजुओं पे निर्भर रहो, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। लेकिन ये है कि देखो हमारी प्रॉब्लम है, अकेले मैं पूरा खर्चा नहीं उठा सकती हूँ, तो मैं जितना होता है उतना खर्चा मैं खुद ही उठाने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों को पता है, मतलब मेरे को 11 साल हो गए हैं, मैं अपने एक लड़की के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं आप लोगों को पता है, बट मैं कभी भी अपने खर्चे के लिए अपने लॉस से पैसे नहीं लेती हूँ। मेरे को ये लगता है कि मैं जितना हो सके मैं खुद ही उठाऊँ। लेकिन बस ये है कि अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती या कुछ कर रही होती तो मैं सारा ही खर्चा उठाने की कोशिश करती, लेकिन बस कहते हैं ना कि इंसान कहीं ना कहीं से परेशानी होती है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तब भी इंसान अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पाता है, तो मैं तो सिर्फ घर पे बैठी हुई हूँ। हाँ, स्टिचिंग वगैरह करती हूँ और अब यूट्यूब से थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगी है। अभी तो ऐसी कोई खास अर्निंग नहीं है, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, बट जो भी है अच्छा है। मैं यहाँ पे भी मेहनत कर रही हूँ, वहाँ पे भी मेहनत करने की कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज कर लूँ, ताकि मैं जितना हो सके मैं खर्चा उठाने की कोशिश करूँ। तो बाकी मेरा मंथली खर्चा ऐसा होता है कि मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो मैं उसको नहीं ख़रीदती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उसी चीज़ को ख़रीदती हूँ। मैं फालतू पैसा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मेरी ये आदत शुरू से है। और एक है जैनित, जैनित जी, दीदी प्लीज़ भगवान जी की ड्रेस बनाना सिखाओ और आप भगवान जी को कैसे तैयार करते हैं। तो हाँ जी डियर, मैं आपकी ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये ज़रूर पूरी करूंगी। और मैंने भगवान जी की ड्रेस पहले दो बार वीडियो में बनाना सिखा रखा है, तो अगर आप हो सके तो मेरी पिछली वीडियो में देखना, मैंने भगवान जी की ड्रेस अच्छे से बनाना सिखा रखा है। नहीं होगा तो मैं ढूंढ के जब भी कभी वीडियो डालूंगी तो उसमें लिंक डाल दूंगी और ऊपर लिख दूंगी, ठीक है ना। और एक जैनित जी हैं, सच में दीदी आप खाना बैठ के कैसे बनाते हो? तो डियर देखो ऐसा है, पहले के जो लोग होते थे वो खाना बैठ के ही बनाते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम कोई फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। और हिंदुस्तानी जो लड़की होती है वो हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती है। पहले मैं भी अपने मायके में खड़े होकर खाना बनाती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई थी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरी आदत बन गई। कहते हैं कि लड़कियों को हर चीज़ में एडजस्ट करना आना चाहिए, तो मैं हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं बैठ के खाना ना बना पाऊँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बस उठना बैठना कभी कभी लगता है, लेकिन कहते हैं हर चीज़ में एडजस्ट करना आना चाहिए। और मैं कर लेती हूँ सब, मैं खड़े होके भी कर लेती हूँ और मैं बैठ के भी कर लेती हूँ। और एक है कामेश्वर यादव जी, अंकल जी हैं शायद, तो अंकल जी नमस्ते। इन्होंने मुझसे बोला था कि बेटा परी से मुझे वीडियो में नाना बुलवा देना, तो अंकल जी ज़रूर मैं आपकी ये विश ज़रूर पूरी करूँगी। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। मुझे बहुत सारे नाम याद हो चुके हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के जो फैमिली है वो मुझे पता चल चुकी है। अगर वो एक दिन मेरे वीडियो पे वो विज़िट नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो आए नहीं है, तो मुझे पता चल जाता है। और कमेंट करने से तो मुझे जो लोग रोज़ कमेंट करते हैं वो तो मुझे पता ही पता है। और एक एडवोकेट किशोरपुरी भाई जी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, मुझे हर वीडियो पे मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरे मुँह से कुछ गलत निकल रहा हो तो सॉरी, मुझे हर वीडियो पे मोटिवेट करते हैं, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली कि मेरी आप गलतियाँ और मेरी आप अच्छाइयों को बताते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारी फैमिली होती है वो हमारी गलतियाँ और हमारी अच्छाइयाँ बताती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारी कमियाँ बताते हैं, हमारी अच्छाइयाँ नहीं बताते हैं, लेकिन मेरी YouTube फैमिली इतनी अच्छी है, मेरी अच्छाई बुराई सब चीज़ बताती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो परीश और भाई नाना जी को नमस्ते बोल दो। नाना जी नमस्ते। तो अंकल जी मैंने आपकी ये विश पूरी कर दी है, आपको दोनों बच्चों ने नाना जी बोल दिया है और नमस्ते भी कर लिया है। और आपके जो भी कमेंट हुआ करें, तो आप मतलब आपको मेरे से कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में लिख दिया करिए, मैं पढ़ती सारे कमेंट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मैं कोई कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं सारे ही कमेंट पढ़ती हूँ। बस ये है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, अगर टाइम नहीं होता तो मैं रिप्लाई नहीं करती। आप परी से पूछो कि मतलब मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, मुझे रिप्लाई करने में ना कम से कम कभी कभी एक एक घंटा लग जाता है। परी शौर्य मेरे पास बैठे होते हैं, उनको खुद पता है। और एक है उमा राणा जी,
परी और शौर्य कौन सी क्लास में है? परी आप बताओ भाई, मैं नहीं बताऊंगी आज, परी और शौर्य खुद बताएंगे, परी और शौर्य अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। बताओ भाई। मैं 8th क्लास में हूँ। और मैं 5th क्लास में हूँ। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो भाई बताओ? मैं हिमालयन पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और लिटिल स्टार पब्लिक सेकेंड। हाँ तो मैं देखो, मैंने पहले कई बार वीडियोस में बताया है, बट आप शायद मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी होंगी, तो मैं आज परी और शौर्य से बुलवा रही हूँ कि ये कौन सी क्लास में है। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो बस आज के लिए इतना। और बाकी जो भी कमेंट आते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, मैं सारे कमेंट्सों की रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, और अगर नहीं कर पाती हूँ, मेन चीज़ तो ये है कि मेरे पास एक फ़ोन है, और फिर अगर मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के जो कमेंट हैं वो एक डायरी में लिख रखे हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है। तो आप परी शौर्य से पूछ लो, अगर मैं इनको कभी कोई चीज़ रखने के लिए दूँ और या मैं खुद रख दूँ तो भूल जाऊँगी, फिर इन्हें ढूंढने के लिए बोलती हूँ। है परी शौर्य, बताओ जरा बताओ बताओ आप सबको कि मम्मी कैसी है, कैसे भूल जाती है चीज़ें, बताओ। कुछ भी रखेंगे आप, फिर बोलती हैं कहाँ रख दी कहाँ रख दी, हमें ढूंढने में लग जाता है, इन दोनों को ढूंढने में लगना पड़ता है। रखती चीज़ों को मैं ही हूँ, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ उनको रख के, तो परी और शौर्य को ढूंढना पड़ता है, इनकी ड्यूटी लग जाती है। बेचारों की कहते हैं मम्मी आपने रखी है चीज़ और हमें ढूंढने के लिए लगा दिया है। तो परी मेहंदी लगा रही है, मैं भी परी से मेहंदी लगवाऊंगी, मेरा भी काफ़ी टाइम से मेहंदी लगवाने का मन कर रहा है, तो जब परी मेहंदी लगाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और क्योंकि आने वाली वीडियोस का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय बाय।